हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक स्पेस का जो सेकंड थ्योरम प्रूफ करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने बहुत से लेक्चर्स करा रखे हैं टोपोलॉजी के, जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या बोल रहे हैं कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। देखिए, मैट्रिक स्पेस हमारा चैप्टर चल रहा है, तो मैट्रिक स्पेस क्या होता है वो मैंने पहले ही बता रखा है एक वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये थ्योरम करना आपके लिए आसान होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी यहाँ पॉज करके पहले वो वीडियो देख लो, तब इसे कंटिन्यू करना, क्योंकि फिर बात समझ में आएगा ही नहीं आपको। तो मैट्रिक स्पेस है एंड लेट एक्स कॉमा एक्स डैश एंड वाई कॉमा वाई डैश, ये चारों जो मेंबर हैं वो किसके, ये जो चारों जो पॉइंट है वो किसके पॉइंट है, इस सेट एक्स के हैं। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि मॉडुलस के अंदर डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश ये चीज़ होता है, ये इक्वल एंड लेस होता है डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश, इसको हमें प्रूव करना है। तो इससे मिलता जुलता एक थ्योरम हमने पहले भी कर रखा है, तो उसी के तरीके ये थ्योरम भी हमें टैकल करना है। तो सबसे पहले हमें किस पॉइंट को, किस चीज़ को लेना होता है, इस वाले पार्ट को, ठीक। तो देखो, इस वाले पार्ट को बनाने के लिए मैं ये पहले ले रहा हूँ डी एक्स वाई ले रहा हूँ, ठीक है। इस वाले टर्म को मैंने लिया डी एक्स वाई, यहाँ रखा। देखो, उन्होंने पहले ही बोल रखा कि ये जो एक्स और डी है वो मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस होने के नाते ये मैट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी 4 मैट्रिक स्पेस की उसका यूज़ करूँगा। एक्स वाई तो है ही, मैंने एक नया वेरिएबल एक्स डैश ले लिया है, और फिर इसको लिखूँगा मैं एक्स के साथ एक्स डैश आएगा, एक्स डैश पे ख़त्म है तो एक्स डैश से शुरू होगा और पीछे वाई आ जाएगा, और यहाँ एडिशन लग जाएगा, क्लियर। अब मैं फिर से इस वाले टर्म में, ये भी तो डी एक्स डैश वाई डैश, ये भी तो मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, इसमें भी मैं प्रॉपर्टी 4 लगा दूंगा। यहाँ वाई है, अब देखो यहाँ नया वेरिएबल मैंने वाई डैश इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पर भी क्या इंट्रोड्यूस किया, वाई डैश, इसको भी मैंने प्रॉपर्टी 4 से खोल दिया है, क्लियर। अब देखो, जो हम प्रूफ करना है, इधर मुझे डी एक्स वाई चाहिए और इधर डी एक्स डैश वाई डैश चाहिए। तो एक्स डैश वाई डैश यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, है ना। इसको उठा के मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और इधर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बच गया, जो कि आपको इस तरफ चाहिए, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आया। अब अगेन इस वाले पार्ट को लोगे, अब ये वाला पार्ट हम ले चुके थे, अब ये वाला पार्ट लेना है एक्स डैश वाई डैश, इसको भी मैं एम बाई जो, क्योंकि ये आपका मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो प्रॉपर्टी 4 से मैट्रिक स्पेस के इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्स डैश वाई डैश तो है ही, मैंने इसमें एक नया वेरिएबल एक्स ले लिया, इसके लास्ट में और इसके फर्स्ट में आ गया प्रॉपर्टी 4 से, ठीक। अब प्रॉपर्टी 4 से मैं क्या करूँगा, इस वाले टर्म को फिर से एक्सपेंड कर दूंगा। अब की बार यहाँ मैंने नया वेरिएबल कौन सा लगाया, वाई, तो इस टर्म को मैंने फिर से प्रॉपर्टी 4 से एक्सपेंड कर दिया, ठीक। प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर चूंकि एक्स एक्स डैश था, और यहाँ पर एक्स डैश पहले है और एक्स बाद में है, तो मुझे ऐसा बनाने के लिए इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी, और पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी से, सिमेट्री वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, और बाद बाकी पूरा वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक। अब ये जो चीज़ है इसको हमें उठाकर इस तरफ लाना है, तो उठाकर इसको इस तरफ लाया, क्योंकि ये चीज़ और इसको इधर ही रखना था। अकॉर्डिंग टू दिस, आपको इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को यहीं रखना है, यानी कि इसको उठाकर यहाँ लाना है, तो प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तो इक्वेशन सेकंड में ये चीज़ और इक्वेशन फर्स्ट में ये चीज़ कॉमन है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम सही तरीके से लिखेंगे, माइनस करके मॉडल्स लेंगे, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, क्लियर है। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर प्रेस करें।